कितना मटन है भैया ये? 8 किलो मटन, मतलब 20 दिन में पूरा तहलका मचा रखे हैं। नहीं, कैसा आपको जो है मटन का स्वाद लग रहा है? मटन का स्वाद तो बहुत लाजवाब है। अब जो है रेट वगैरह बता दे आपको, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल हो रहा है कि भाई खाते ही जा रहा है, रेट नहीं बता रहे, तो रेट यहाँ का ऐसा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज का हमारा वीडियो खास कर होने वाला उन मटन प्रेमियों के लिए जिनको मटन से बहुत ज्यादा प्रेम है, बिल्कुल मेरी तरह। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले एक बिल्कुल ब्रांड न्यू से जगह को, जहाँ पे हमने सुना है कि बहुत ही बेहतरीन सा मटन बनाकर खिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखने वाले कि मटन बनाते कैसे, करेंगे टेस्ट, आपको बताएंगे जायका भी। लेकिन उससे पहले एड्रेस बता देते हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, जगह को बुलाया जाता है बालालोंग, जो कि आपके नगरी थाना के अंतर्गत आता है। हमारे पीछे जहाँ पे रास्ता देख रहे हो ये है आपका रिंग रोड। अगर आप दलदली चौक की तरफ से यहाँ पे आना चाहते हैं तो लगभग आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। धुरवा JSCA स्टेडियम की तरफ से आएंगे तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। यहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है क्योंकि हम आपको हमेशा की तरह गूगल मैप का लिंक देने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो गई, जिस जगह पे आना कैसे वो हमने बता दिया, अब हम आपको वो जगह एक बार दिखा दे रहे हैं। तो ये चेक कर लो, सामने जो है भाई होटल का नाम न्यू सरना होटल, और नीचे जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है देहाती मटन चावल। और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देख सकते हो बगल में बिल्कुल एकदम हरियाली छाया हुआ है, मतलब एक सुंदर सा अच्छा खासा सा नर्सरी है। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो यहाँ पे देख लो काफ़ी बढ़िया तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा सा एरिया भी है। और इन टेबल पे जो ये छोटे छोटे पौधे रखे हुए ना, खूबसूरती भाई साहब इस जगह का जो है बढ़ा दे रहा है। इस साइड पे देखोगे तो ये है इनका किचन का एरिया जहाँ पे सारा खाना वगैरह बनाया जाता है। सुबह का टाइम है तो सब लोग लगे हैं खाने को तैयार करने के लिए। और सामने जो फ्रेम में भी है ये है सर जी इस जगह के ओनर। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पे, आपका शुभ नाम क्या है? लड्डू उराव। और आपके इस होटल के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइएगा, कब आपने स्टार्ट किया, कैसे जो है आपके मन में ख्याल आया इस होटल को स्टार्ट करने का? मेरा नर्सरी भी बगले में है सटले में, तो हम दिमाग लगाए कि खाने की व्यवस्था आदमी कर दिया जाए। ओके, तो ये जो नर्सरी दिख रहा है खूबसूरत सा, ये आप ही का है? हाँ जी, मेरा ही। मतलब पहले आपका नर्सरी का बिजनेस था और अभी भी है, साथ में जो है आप मटन चावल भी कर दे रहे हैं। बहुत बड़े आइडिया लगाए हैं सर, मतलब जो आदमी यहाँ पे मटन भात खाने आएगा फुल भी ले जाता है, पेड़ भी ले जाता है, घर का खूबसूरती बढ़ाने के लिए पेड़ पौधा भी ले जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो सर ये टाइमिंग वगैरह क्या होने वाला है, कितने देर से जो है मटन रेडी हो जाता है आपके यहाँ? 9:30 से 10 तक में रेडी, 10 बजे तक रेडी कर देते हैं। और कितने बजे तक मिलता है ये? 4 बजे तक लगभग, 4 बजे तक मिलता है टाइम है, 5 बजे तक, 4 बजे तक। 4 बजे तक कोई छुट्टी भी है सप्ताह में कि 7 दिन? बीफे को छुट्टी रहेगा, बीफे को छुट्टी रहता है। बहुत बढ़िया। तो अब जो है आप हमारे को दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे मटन कैसे बनाया जाता है ना, और यहाँ पे मटन का एक खासियत क्या है आपका वो बता रहे थे आप? मुड़ौआ। मुड़ौआ, हाँ। एक बार दिखाइए ना अपने हाथों से, दिखाइए हमारे को कि भाई मुड़ौआ मटन क्या होता है, जो नहीं जानते उनके लिए। ये है मुड़ौआ मटन, मतलब स्किन लगा हुआ चमड़ा वाला मटन को मुड़ौआ मटन कहते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देख लो मटन प्योर खसी है, प्योर खसी, देसी खसी यूज करते हैं, पक्का पक्का। बहुत बढ़िया। और भाई चुस्ता भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो लोग चुस्ता के दीवाने हैं। तो अब जो है गाइस हम आपको दिखाने वाले यहाँ पे कि मटन बनाया कैसे जाता है। तो गाइस अब जो है यहाँ पे अपना मटन बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। चूल्हे पे चढ़ा दिया गया एक बड़ा सा कढ़ाई, और भाई साहब यहाँ पे मटन की क्वांटिटी देख लो, मतलब समझ लो कि 20 दिन हुआ होटल खुले और इतना मटन बनाना भाई कोई आम बात नहीं है। कितना मटन है भैया ये? 8 किलो मटन, मतलब 20 दिन में पूरा तहलका मचा रखे है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे जो है कढ़ाई अपना काफी बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, और अब इसमें डाला जा रहा है सरसों का तेल। तेल गर्म हो गया भाई, फोरन डालने। ओके, तो भाई यहाँ पे देख लो फोरन में गया है आपका सूखा मिर्चा, और साथ में गया है तेज पत्ता, गोलकी गरम मसाला। अच्छा, तो टेस्टिंग बनेगा। ओके, तो मतलब फोरन एकदम जो है बढ़िया से डाल दिए। नहीं, तो भाई यहाँ पे फोरन अपना अच्छे से फूट चुका है, और अब यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी चेक कर लो, कितना प्याज है दादा ये काटा हुआ? 5 किलो। तो भाई 8 किलो मटन बनने वाला है जिसमें 5 किलो प्याज है, मतलब तरी एकदम गाढ़ा रखते हैं। तरी एकदम गाढ़ा, प्याज पीसते हैं। ओके, और अब सारा प्याज इसमें डाल दिया गया है। नमक डाल रहे हैं भैया, प्याज गलेगा। ओके, तो मतलब लगता है कि प्याज डाले हुए 5-10 मिनट हुआ है ना। हाँ। और अब संग इसमें नमक डाल दे रहे हैं। हाँ, गलेगा। तो ये पूरा नमक डल चुका है कि फिर डालिएगा? नहीं, पूरा नहीं, स्वाद अनुसार डल गया। हाँ। ओके, तो भाई यहाँ पे नमक डला है और बढ़िया से प्याज वगैरह को अभी गलाया जाएगा। कितना टाइम लगता है वैसे मटन रेडी होने में दादा? 1 घंटा लगे। 1 घंटा लग जाता? नहीं,
मटन है, सिझाने पड़ता है बढ़िया से, बढ़िया से सिझाने पड़ता है। और भाई चार से आप बना भी रहे हैं ना, आधा घंटा से प्याज भूंज रहे हैं, लाल हो गया एकदम, बढ़िया डल गया, देखते हैं। ओके, और अब क्या डालने वाला है? अब डालने आधी लहसुन। अच्छा, आधी लहसुन डालने का टाइम आ चुका है। हाँ तो भाई साहब यहाँ पे सच्ची बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल एकदम घड़ी के टाइम से जो है आधा घंटा हमने वेट करा है और प्याज अब जाकर कहीं गला है। डाले भैया? हाँ डाल दीजिए। और अब पेस्ट डाल रहा है। ये क्या चीज का पेस्ट है? आधी लहसुन है पिसा हुआ। अच्छा, इसमें आधी लहसुन दोनों है? हाँ। ओके, प्याज पिसा देखिएगा। ये क्या है? प्याज पिसा हुआ। अच्छा, तो मतलब प्याज पीस के अलग से डालते हैं? हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जो है मेरे ख्याल से तरी को गाढ़ा करने के लिए ऐसा करता है ना? जी जी, बहुत अच्छा। तो भाई साहब बनाने का इनका तरीका देख लो, बड़ा ही बढ़िया और लाजवाब सा है। और आधी लहसुन का पेस्ट डला है तो भाई खुशबू जो है आधी लहसुन का बढ़िया सा आने लगा है। इसमें लगता है कि आधी भी डालने में कंजूसी नहीं है। नहीं, बढ़िया से डाले, बढ़िया डालते, बहुत अच्छा। और गाइस यहाँ पे आधी लहसुन पड़े हुए भी लगभग 10-15 मिनट हो चला है। 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, मतलब 5 मिनट हम कम ही बता रहे थे। नहीं, और अब क्या डालिएगा? बस मिर्चा पाउडर डालेंगे। अच्छा, सूखा पाउडर की पेस्ट है, पीस के डाले हैं सूखा मिर्चा। तो ये इसमें क्या है? सिर्फ खाली मिर्चा है, सिर्फ मिर्चा है। ओके, डाल दीजिए। और भाई साहब इसमें जो है अब डाल दिया गया है सूखा मिर्चा का पेस्ट। मिर्चा पेस्ट भुना गया है, इसमें मसाला डालेंगे। अच्छा, पाउडर मसाला डालने का टाइम आ गया है। हाँ, पाउडर आ गया। डालिए, क्या क्या डालने वाले हैं? बस सर डाल। तो भाई साहब यहाँ पे देख लो सारा मसाला वगैरह। धनिया पीस के डालते हैं, घर से सूखा दम। अच्छा, ये क्या मसाला है? ये गोलकी है। गोलकी है, सिर्फ गोलकी है कि जीरा भी है? जीरा अलग है। अच्छा, जीरा अलग है, डाल दीजिए। और भाई साहब ये देख रहे हो ना, मतलब गोलकी का खुशबू निकल कर आ रहा है, सोंधा सोंधा सा। तो मतलब ये क्या पाउडर मसाला मार्केट का है कि अपने से पीसा है? अपने से पीस के, इसीलिए जो है मोटा मोटा और दानेदार दिख रहा है। और खुशबू भी कैसा है ना, सोंधा सोंधा सा, मतलब लग रहा है जैसे कि पहले गर्म करते हैं, उलाते हैं नहीं? हाँ, गर्म करके फिर पीसते हैं। हाँ, देखिए जीरा डाल दीजिए। और अभी और कुछ जाएगा? अब जाएगा, थोड़ा चलाते हैं। अच्छा, मतलब पहले बढ़िया से इसको मिला ले रहे नहीं? हाँ, बढ़िया से मिला के। तो भाई साहब जीरा और गोलकी का एकदम मनमोहक सा खुशबू अरोमा आना शुरू हो गया है। और भाई साहब यहाँ पे जो है ना मसाला भूनने में कोई कसर नहीं छोड़ते भैया ना, मतलब बढ़िया से एकदम रगड़ कर भूनते हैं, बढ़िया से लगा के भूनते हैं एकदम। खाए तो भाई मियाज हरियर हो जाए, मियाज हरियर। अब डालने वाला हल्दी, डाल दीजिए। और भाई साहब जीरा गोलकी डला, दो चार मिनट चलाया गया, मिलाया गया अच्छे से। और अब इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डला, फिर बढ़िया से मिला रहे हैं। मतलब मसाला डाल रहे हैं तो ही नहीं कि लगातार डाल रहे हैं, दो मिनट चला रहे हैं नहीं? हाँ, तो बढ़िया रहेगा टेस्टिंग, टेस्टिंग बढ़िया रहेगा। और कुछ मसाला जाएगा इसमें? हाँ जाएगा, सब जाएगा डला के। अच्छा, ये क्या पाउडर डाल रहे हैं? ये गरम मसाला है, हल्का सा डालते हैं फिर ऊपर से, मतलब। अच्छा, लास्ट में भी पड़ेगा? हाँ, डाल दीजिए। अब भाई खुशबू इसका भी जो है ना बड़ा जानदार सा आ रहा है, मेरे ख्याल से ये भी अपने से पीसा लेना। अपने से पीसते हैं गरम करके, लेकिन धनिया हल्का सा, धनिया मतलब बाजार का मसाला यूज नहीं करते पाउडर ना? नहीं नहीं, बहुत अपने से पीसते हैं, अदम अपने से करते हैं, सही करते हैं। अब डालने वाले कस्तूरी मिर्चा। अच्छा, कश्मीरी मिर्चा। हाँ, कस्तूरी मिर्चा, एकदम कलर आएगा एकदम बढ़िया। ओके, देखिए तो भाई अब जो है इसमें डाल दिया गया है इसको बढ़िया सुर्ख लाल सा रंग देने के लिए, कश्मीरी मिर्च कलर लाने के लिए, कलर लाने के लिए। और मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं डाले हैं, एकदम थोड़ा सा ही है, समझे ना? तो जिस हिसाब से मटन बनने वाला है, ज्यादा डालेगा तो लाल हो जाएगा ना पूरा। अच्छा, हाँ, हिसाब भर डालते हैं, हिसाब भर डालते हैं। तो गाइस सारा मसाला वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला था, बढ़िया से मसाला को भुना गया खर करके, थोड़ा उठाइए तो छुलने के मसाला ऊपर रंगत दिखाते हैं आपको। ये चेक कर लो कितना बढ़िया से जो है प्याज वगैरह गल चुका है, और ये जो भाप उठ रहा है ना भाई, इससे खुशबू बड़ा जानदार निकल कर आ रहा है। अब क्या डालने वाले भैया? बस मटन डालेंगे, मतलब टाइम आ चला मटन डालने का, डाल दीजिए फिर लगे हाथ, और क्या डाल दीजिए। तो ये देख लो भाई यहाँ पे जो है मटन बढ़िया तरीके से जो है साफ करके लाया गया, और अब सारा मटन जो है इसमें डाला जाएगा। अरे ये देख लो, ये गया अपना मटन। तो इस साइड पे जो है मटन तो डल ही रहा है। अब जो है थोड़ा आप अपना भी नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? हमको नाम है सहेंद्र कुमार। अच्छा, और आप होटल लाइन में कितने साल से हैं? बस 5 साल से काम कर रहे हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको है? हाँ। बहुत बढ़िया।
और भाई साहब ये देख लो पीस, देख लो यहाँ पे सीना वाला पीस है, कलेजी भी है ना ये। हाँ। बहुत बढ़िया, और सारा मटन इसमें डला है और अब जो है इसको बढ़िया से मिलाया जाएगा। तो गाइस सारा मटन इसमें डलने के बाद ये चेक कर लो, बढ़िया से मटन को मिलाया गया, इस हिसाब से मिलाया गया ना कि मसाला पूरा अच्छे तरीके से मटन के एक एक अंग में जो है लग चुका है। अब क्या डालना है? पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो मतलब अभी तरी के लिए डालेंगे कि बस थोड़ा सा? थोड़ा सा डालेंगे, अभी थोड़ा सा डालेंगे। डाल दीजिए भैया फिर, और अब जो है थोड़ा सा पानी जा रहा है ताकि बढ़िया से और मिक्स हो पाए मसाला और मटन। नहीं हाँ, नहीं डालिएगा तो सट नहीं जाएगा क्या भाई? अच्छा नहीं डालिएगा तो सटने भी लगेगा है ना। मटन भुना गया है, इसमें चिस्ता डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है मटन और मसाला अच्छा से भुना गया ना? भुना गया, देखिए ये लो भैया यहाँ पे दिखा भी दे रहे भाई मसाला वगैरह, और अब चुस्ता डाल दीजिए है ना। चुस्ता डालेंगे उसके बाद, और ये गया आपका भाई चुस्ता, देख लो यार ये देखो यहाँ पे चुस्ता, मतलब तगड़ा वाला चुस्ता है ना ये। हाँ दम तगड़ा वाला डाल दीजिए, और ये गया चुस्ता। और भाई चुस्ता डालने के बाद अब जो है इसमें डाला जा रहा है गर्म पानी। गर्म पानी डाल दीजिए भैया। अच्छा एक चीज बताइए, गरम पानी काहे डालते हैं, ठंडा काहे नहीं डालते हैं? नहीं, गरम डालने से टेस्ट लाता है बढ़िया। अच्छा टेस्ट बढ़िया रहता है, गरम पानी डालना चाहिए। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे गरम पानी डाल दिया गया है और इसी से जो है तरी रेडी हो जाएगा ना। हाँ। अभी तो कुछ नहीं डालना है? नहीं, अब तो पकेगा। पकेगा, उतारे घर ही मीट मसाला मार देंगे। अच्छा गरम मसाला, गरम मसाला। हाँ। और भाई अब जो है इसमें डालने वाला है इनका खुद का पीसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला अपने पीसते हैं। और ये डालने के साथ मटन हो चुका है बनकर रेडी। हाँ। अब तो और कुछ नहीं करना है? नहीं नहीं। और भाई जिस साइड पे जो है मटन बनकर रेडी हुआ ही है, उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर लोग जो है बैठकर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मटन का। और भाई साहब करना क्या है, फटाफट जो है हम भी पत्ते पे इसको लगवाएंगे, करेंगे टेस्ट, आपको बताएंगे यहाँ पे जो मटन बना है उसका स्वाद कैसा लग रहा है। तो भाई फाइनली यहाँ पे जो है मटन और चावल लगा दिया गया है, यहाँ तो मटन है ही, उसके साथ दिया गया चटनी, उसके साथ है सैलेड, और यहाँ पे बचपन याद दिलाने वाला फोपी। मटन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर रंगत देख लो, कितना बढ़िया सा कलर दिख रहा है। रोगन वगैरह की बात करेंगे तो पूरा एकदम चारों तरफ मटन में जो है ना फैला हुआ है। पीस दिखाएंगे आपको तो ये देख लो यहाँ पे सॉलिड एकदम चाप वाला पीस है, साइज भी बहुत बढ़िया सा है। उसके बाद एक पीस और है अपने पास, और ये है अपना चमड़ा वाला मुड़वा वाला मटन भी आज जो है आपको बताएंगे खाकर कि कैसा जो है लग रहा है। ग्रेवी दिखाते हैं आपको, तो ग्रेवी का थिकनेस वगैरह चेक करो, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी है, गरम गरम है, जैसे ठंडा होगा तो और भी ये थिकनेस इसका जो है ना बढ़ जाएगा। और ये है आपका चर्बी, छोटा छोटा सा टुकड़ा, एकदम जो है मार्शमैलो के तरह मुलायम। और भाई जब इसको ऐसे घुमा रहे ना, मटन वगैरह दिखा रहे थे ना आपको, बहुत ही बढ़िया सा इसमें से खुशबू निकल कर आ रहा है। अब मटन पका है कि नहीं वो देखते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ पे जो है एक हाथ से मटन अपने तोड़ पा रहे बढ़िया तरीके से, मतलब मटन जो है ना पक अच्छे से गया। ये देखो, देख रहे हो, ये देख लो मटन काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो भाई नज़ारा वगैरह तो दे दिया हमने आपको, अब जो है ना भूख भी बहुत ज़ोर से लग चुका है, तो फटाफट जो है स्वाद बता देते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेवी को जो है ना चावल के ऊपर ले लेते हैं थोड़ा बहुत, तब तक ये इधर पे ठंडा होगा। और अब जो है ना सिर्फ ग्रेवी का स्वाद आपको बताते हैं कि सिर्फ ग्रेवी का टेस्ट कैसा लग रहा है अपने को। तो ये रहा, मतलब जो अपना ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना मटन का, देसी वाला एकदम, बिल्कुल वही फ्लेवर ग्रेवी में है। तीखा वगैरह बताएंगे तो बिना चावल के अपने खा रहे तो थोड़ा सा तीखा लग रहा है, लेकिन चावल के साथ मे भी ये कम हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है कितना ग्रेवी आप चावल में मिलाते हो। यहाँ पे ग्रेवी में चावल अच्छे से मिक्स हुआ है, और मतलब जैसा हमने अपेक्षा किया था ना, बिल्कुल वही वाला स्वाद है, मतलब जिस तरह से बाकी होटलों में मिलता है मटन चावल देसी तरीके से बना के। काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर यार, बहुत अच्छा सा स्वाद है। मतलब बनते टाइम पे तो देखते ऐसा लग रहा था ना कि इतना कुछ डला है मसाला वगैरह भर भर कर सब कुछ, तो टेस्ट वगैरह हो सके थोड़ा सा मसाला किसी चीज़ का ओवर हो जाए, लेकिन खाने के बाद जो है ना सारा चीज़ का फ्लेवर एकदम बैलेंस्ड है। हाँ, इसमें गर्म मसाला का स्वाद आपको बढ़िया से समझ में आएगा, और उसमें सबसे ज़्यादा दालचीनी का,
जो कि सबसे पहले छौंक में डाला गया था, और जब जो है गरम मसाला तेल में डला तो उससे क्या होता है ना, उन सब का फ्लेवर पूरे तेल में फैलता है सोंधा सा, और इलायची का भी अच्छा सा मात्रा था उसमें। यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा मीठा होने का गुंजाइश हो जाता, लेकिन जो लाल मिर्च का पेस्ट डला ना, प्याज के पूरे मिठास को जो है मार दिया। अगर वो लाल मिर्च नहीं डलता तो मीठा लगता, क्योंकि आपने देखा कितना ज़्यादा प्याज इसमें पड़ा। उसके बाद जो है प्याज का पेस्ट, नहीं भी तो मेरे ख्याल से आधा किलो से पौन किलो प्याज का पेस्ट भी होगा, क्योंकि वो तो गलने के बाद थोड़ा सा दिख रहा था। बाकी जो इसमें डाला जीरा गोलकी और मसाला, वो सब इनका खुद का पीसा हुआ, उन सब का फ्लेवर भी काफ़ी बढ़िया था इसमें समझ में आ रहा है। और होता क्या है, खुद से पीसे मसालों का स्वाद भाई साहब बाज़ार के मसालों से तो बढ़िया होता है, क्योंकि वो मसाला बिल्कुल एकदम इंस्टेंट पीसा हुआ रहता है, फ्रेश वाला। बहुत अच्छा सा टेस्ट है, ग्रेवी का टेस्ट तो बहुत बढ़िया था, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा इसका अपना टेक्सचर है। थोड़ा थोड़ा ही मिला रहे ताकि ओवर ना हो जाए, लेकिन भाई जब डाल रहे ना इसमें ग्रेवी और जब खा रहे ना तो लग रहा नहीं ग्रेवी थोड़ा और इसमें चाहिए। बहुत बेहतरीन सा स्वाद लगा मेरे को। ग्रेवी ख़त्म हो गया, यहाँ पर ग्रेवी मांगकर थोड़ा ग्रेवी दीजिए ना। जिस हिसाब से ग्रेवी रिच दिख रहा था ना, उतना है नहीं, आराम से जो है डाइजेस्ट होने वाला। बहुत बेहतरीन पका हुआ मटन अच्छे से गल गया। और एक चीज़ पता है क्या, मुड़वा मटन खाते टाइम ना एक चीज़ का डर हमेशा सताता है मेरे को कि कहीं ना कहीं उसमें बाल नहीं निकल जाए, क्योंकि जितना भी लोग देखते हैं तो वो ऐसा मिस्टेक हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं गौर करके वो चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मटन धोते टाइम एक एक पीस ये लोग चेक करते हैं कि कहीं किसी में बाल वगैरह तो नहीं है। बनाने का तरीका तो अच्छा है, बाकी साफ़ सफाई और सारा कुछ अच्छे से हाँ डाल दीजिए, मेंटेन किया और दीजिए थोड़ा सा बस। तो गाइस यहाँ पे दोबारा ग्रेवी हमारे पास आ चुका है और फिर से जो है एक बार मिलाया। खस्सी का क्वालिटी भी जो है ना बहुत बढ़िया था, प्योर खस्सी है। खस्सी का साइज का बात करेंगे मेरे ख्याल से 8 से 10 किलो, उससे ज़्यादा बड़ा खस्सी नहीं है, क्योंकि मीट से समझ में आ रहा है। और ये रहा अपना मुड़वा वाला पीस। मुड़वा मटन में होता क्या कि बिना चमड़े वाला मटन ना जल्दी गल जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे ये भी अच्छे से पका हुआ इवन चमड़ा तक। चमड़ा खाने का अपना एक अलग सा मजा है, जब इसको आप काटोगे ना तो भसकता है ना मीट, वैसा चिमर चिमर टाइप का लगता है, चबाने में बड़ा मजा आता है, मतलब कैसे बोले जेली टाइप का। अब जो है रेट वगैरह बता दें आपको, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल हो रहा है कि भाई खाते ही जा रहा रेट नहीं बता रहा। तो रेट यहाँ का ऐसा है कि 150 रुपये आपको देना है, जिसमें पूरा जो है चावल भर कर, चावल का बढ़िया सा क्वांटिटी, साथ में दो बड़ा बड़ा मटन का पीस, चटनी सैलेड जो देखा आपने वो, और उसके साथ पानी कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप पानी नहीं लेते तो 140 रुपये लगेगा, और अगर एक्स्ट्रा मटन लेते हैं तो 60 रुपये पीस पड़ेगा। रेट के हिसाब से भाई चीज़ें बहुत अच्छी है, जेन्युइन सा है, टेस्ट आपको खाकर मज़ा आएगा। मटन ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर दिया है, चावल भी ख़त्म ही कर दिया, वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। और आपसे बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग जाती है तो करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से ढूंढ ढूंढ कर बढ़िया से बढ़िया जगह खाने पीने का लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं कल कुछ कहीं और कुछ नया सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।